मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में नार्को कोऑर्डिनेशन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीएम ने देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्त करने के लिए सभी को जिम्मेदारी और समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य हासिल करना है। एक ओर जहां ड्रग्स सप्लायर्स पर कड़ा प्रहार करना है, वहीं दूसरी ओर बच्चों और युवाओं को ड्रग्स की चपेट में आने से बचाना है। ड्रग्स सप्लाई की चेन को तोड़ने के लिए पुलिस विभाग मुखबिर तंत्र को और मजबूत करे। ड्रग्स नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस आबकारी व ड्रग्स कंट्रोलर मिलकर काम करें। सीएम धामी ने कहा कि ड्रग्स लेने वाले बच्चों और युवाओं की सही तरीके से काउंसलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, कॉलेजों में एडमिशन के समय विशेष काउंसलिंग की जाए, साथ ही ड्रग्स लेते हुए पकड़े जाने वाले बच्चों के साथ अपराधियों की तरह बर्ताव न करते हुए उनके पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही कॉलेजों में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग की नियमित रूप से की जाए। साथ ही समाज कल्याण और अन्य विभाग युवाओं की जागरूकता पर फोकस करें, इसके लिए सोशल मीडिया और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाए। इसके साथ ही सीएम ने प्रदेश में 2 सरकारी नशा मुक्ति केंद्र बनाने के भी निर्देश दिए हैं। सभी संबंधित विभागों को लेते हुए एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स को एक्टिव किया जाए। निजी नशा मुक्ति केंद्रों के लिए सख्त गाइडलाइन बनाकर उस पर फॉलोअप किया जाए। देहरादून से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट।